बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों को चपेट में ले रही है, अगर जब तक चाइना इसके डिटेल शेयर नहीं करेगा, डेटा देगा नहीं, तब तक बड़ी समस्या है इस बीमारी को समझ पाना। लेकिन कमोबेश ये समझ में आ रहा है कि वहाँ जिस तरीके से बच्चों को में शिकार बनाया जा रहा है या सिम्टम्स जो है वो निमोनिया के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है और इसको लिए जागरूक होना, सजग होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नेहा रस्तोगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस अस्पताल में। डॉक्टर, यहाँ पर माइकोप्लाज्मा निमोनिया की बात की गई है, इसको जरा समझाएं कि ये किस तरीके की समस्या होती है। अगर ये समस्या है तो क्या इसमें जो डेथ का खतरा होता है वो कितना होता है? जी, तो जो चाइना का मिस्टीरियस आउटब्रेक लिंक किया जा रहा है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया से काफी हद तक पॉसिबल हो सकता है। अभी भी ये कंफर्मेशन या पुष्टि, जैसा कि सर ने बताया, नहीं की गई है। सो माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक अलग तरीके का बैक्टीरिया होता है। ये यूजुअल बैक्टीरिया से थोड़ा सा हटके होता है क्योंकि ये बोला जाता है कि इट्स अ लाइट। इनफैक्ट इससे कहने वाले निमोनियास को भी हम अक्सर वॉकिंग निमोनिया कहते हैं कि यूजुअली जो मरीज है वो चलता फिरता ओपीडी में आता है अपना नॉर्मल तरीके से, फ्लू का बुखार जैसा होता है। सो माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो या आपका इवन आरएसवी हो, ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी फ्लू लाइक इलनेस करते हैं। सो शुरुआत में ये कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो आपका तेज बुखार करेगा, बॉडी एक करेगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा निमोनिया टिपिकल निमोनिया से हटके होता है, तो ये उस तरीके के क्वांटिटी ऑफ बलगम या स्पूटम नहीं लाता। इसमें अक्सर बहुत ही स्लो खांसी या ड्राई कफ ज्यादातर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात माइकोप्लाज्मा निमोनिया की उसके सिम्टम से ज्यादा उसकी ट्रीटमेंट पे गौर करवाने की होती है, क्योंकि यूजुअली जो हमारे कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम अक्सर कभी भी बोलते हैं कि खांसी जुकाम में किसी ने सिफिक्सिम, सेफ्टम, ऑगमेंटिन, ये सब ले लिया, तो 90% to 100% टाइम्स ये कॉमन एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करते, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया का जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से काफी हटके होता है। इसीलिए इसके सिम्टम्स भी भले ही 3-4-5 दिन तक चलते हो, बट उतने हाई ग्रेड नहीं होते एज कम्पेयर टू नॉर्मल अदर बैक्टीरिया। एंड लेकिन इसका एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर रेट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए आप एक टाइम पे कम से कम 8 से 9 लोगों को प्रभावित जरूर कर सकते हो, बट सिम्टम्स सबके तेज बुखार, हल्की या सूखी खांसी वाले रहेंगे। एजिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक, जो कि यूजुअली टिपिकल बैक्टीरिया में बहुत असर नहीं करती, इसके लिए बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। चाइना में जहां तक हम बात करें कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया के केसेस अगर हम मान रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं, तो उसके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ये है क्योंकि अभी पिछले 2 सालों में चाइना में देखा गया कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया में भी रेजिस्टेंस रेट जो एजिथ्रोमाइसिन का है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और स्पष्टता चाहूंगी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, रेजिस्टेंस रेट एंटीबायोटिक को लेकर के, इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए कि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल होना किसी भी बीमारी में किस तरीके से बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा कर देता है और फिर एक मामूली बीमारी भी गंभीर हो जाती है। बिल्कुल पल्लवी, तो एक्चुअली देखा जाए तो हम बात तो चाइना का भी बात कर रहे हैं, बट ये जो हफ्ता है ये एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक का भी हफ्ता कहलाया जाता है। सो रेजिस्टेंस का एक सिंपल शब्दों में अगर हम उदाहरण दें तो ये वही बात हो जाती है कि अब आपका जो बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल, वो एक इंसान रूपी चीज है। आप कमरे से एक बार किसी को डराओगे तो अंदर वाला बंदा डर जाएगा। आप उसके लिए एक बहुत तेज हथियार फेंकोगे तो वो पहले डर जाएगा। उसके बाद कोई हथियार को बार बार यूज करते रहोगे, चाहे उसने हल्का दरवाजा खोला या तेज दरवाजा खोला, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका डरना ही खत्म हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो इसी तरीके की चीज होती है कि यूजुअली ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये एंटीबायोटिक्स इन पे काम करके इनको बंद कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। नॉर्मल तरीके में इस सीजन में कई लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार बहुत होता है, बट 99% केसेस में वो वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं होती है। भाई जब वायरस का बुखार होता है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई नीड नहीं होता। चलिए, लेकिन डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर, जी जी बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। चाइना के हालात देख रहे हैं, जैसे